कोरोना कहाँ से आया है ये सबको पता है, जिसने भेजा है उसके अलावा उसको नहीं पता। और जब कोरोना शुरू हुआ था मैंने तभी कहा था कि आया कहीं से है, हार के भारत से जाएगा। क्या बात है, वाह। और आपने देखा है कि आपकी हिम्मत के आगे कोरोना हारा है। जब दिल्ली में कोरोना पूरे आवेग के साथ भारत में आया और दिल्ली में कुछ विशेष पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा लिया गया, तो जिस भक्तिभाव के साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर स्त्री पुरुष लाइन में लगे, उससे पहली बार मुझे पता चला कि हरिवंश राय बच्चन सही कह गए थे, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। सब दरवाजे पर वहीं खड़े मिले। हमारा एक मित्र तो ऐसा था रहना कि वो रोज रात को अपना शुरू कर दे गार्गल करना विस्की से। तो उसकी पत्नी ने मुझको फोन किया, बोले भाई से भी क्या छुट्टी हो गई इसकी, तो इतनी बोतल लिया है, रोज पीता है। तो मैंने उससे कहा कुछ क्रिएटिव काम करो, कुछ कविताएं विताएं लिखो, ये क्या तुम रोज रात को एक क्वार्टर ढकेल जाते हो। बोले तुझको पता नहीं है कुमार, गुलेरिया साहब ने कहा था एल्कोहल से मरता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मुंह के रास्ते घुसता है। तो मैं चेक पॉइंट पे ही पकड़ ले रहा हूं इसको, वहीं गार्गल करके मार देता हूं। फिर कोरोना भारत, अच्छा कोरोना में बड़े बड़े हम लोगों को बड़ा हम जैसे लोग जो बहुत व्यस्त थे, जो रोज प्रोग्राम करते थे, हमको पहली बार कुछ बातें पता चली। 70 दिन हम घर में रहे, पहली बार पता चला कि पत्नी इतनी बुरी नहीं है जितना हमने धारणा बना रखी थी। ये तो भली महिला है, अच्छी महिला है, कितने अच्छे अच्छे पकवान बना के दिए। लोगों ने बड़े बड़ा प्रयोग करा, एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करा, मेरे बालों के ऊपर मेरे परिवार के लोगों ने प्रयोग करा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश का, मैं तो यूपी का आदमी हूँ साहब, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तो उसे पहली बार अपनी औकात पता चली। जब हमारे यूपी में पहुंचा वो आगरा, आगरा से होता हुआ कानपुर, और जब गले के रास्ते घुसा तो गले में पहले ही उसे लाल रंग का तरल पदार्थ तैरता हुआ मिला जर्दे का। और हमारे कानपुर के मित्रों ने कोरोना से पूछा, तुम कौन हो बे? कोरोना चारों खो चित, बोले ये कौन है यार, ऐसे तो मुझसे किसी ने बात नहीं की। अच्छा बिहार पहुंचा तो कोरोना को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, क्योंकि वहां की महिलाएं कोरोना मैया की पूजा कर रही थी। तो कोरोना को समझ में नहीं आया कि यार मैं चला चीन से था, मेरा लिंग परिवर्तन कैसे हो गया यहां तक। उसने अपना नाम चेक कराया कि मैं कोरोना हूं कि कोरोनी हूं। अच्छा बिहार में तो श्वेता गई थी, मैं देख रहा था अद्भुत मामला था रैली का। अब रैली में लोग लगे हुए हैं एक के पीछे एक, अब ये पूछ रही हूँ उससे, आपको कोरोना दिखी कोरोना काल में, यहाँ नहीं है ना, क्या बात करती हैं मैडम। तो एक एंकर पूछ रही थी, अरे आपने मास्क नहीं बांधा हुआ। अंदा हमको कोई, हमको थोड़ी कोरोना है। बोले नहीं किसी और को होगा, कोई छींक छांक दे आपके मुँह पे तो क्या करेंगे, अब 15 मिनट सांस रोक लेते हैं हम। अब वो 15 मिनट रोक लेते हैं, बताइए आप, एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है उनको किसी प्रकार की। डॉक्टर्स का काम भी बड़ा, अब तो कोरोना काल है डॉक्टर साहब, वैसे भी बड़ा तनाव है। मेरे तो घर में कई डॉक्टर हैं, मेरे एक चाचा जी का लड़का डॉक्टर है और वो बड़ा हसमुख है, मतलब और बड़ा दिलचस्प आदमी है। उसके पारंपरिक कुछ मरीज हैं, हर डॉक्टर के पारंपरिक मरीज होते हैं। तो एक मोहल्ले की ताई जी आती हैं करीब 76-77 साल की, वो दो चीज़ों से परेशान है, घुटने से और एक ताऊ जी से। और जब वो बताती हैं अपने रोग के बारे में तो सामने वाला पता नहीं कर पाता है कि दोनों में किसके बारे में बोल रही हैं। मैं एक आध बार बैठा रहता हूं तो वो आके बताती हैं, डॉक्टर साहब जैसे तैसे जवानी काट ली पर अब नहीं काटा जा रहा टाइम। अब डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आ रहा कि घुटने के बारे में बोल रही कि ताऊ के बारे में बोल रही। डॉक्टर साहब पहले तो मैं निभा लेती थी, अब तो उठने ही नहीं देता ये। फिर वो पूछता है उनसे कि ताऊ के घुटना, अजी ना वो तो मरा पड़ा रहा, ये घुटना ही ना चल रहा आराम से। हमारा इलाका ही ऐसा है, मेरठ कमिश्नर ही हमारा पूरा उत्तर प्रदेश। फिर वो डॉक्टर लिख के देता, कोई बात नहीं ताई ये मैं लिख रहा हूँ दवा, ऑइंटमेंट लिखा उसने, इसे रात को सोते में रगड़ लिया करो। तो उसने एक पर्ची पकड़ी, डॉक्टर साहब किधर से रगड़नी है, जिधर लिख रहा उधर से कि जिधर नहीं लिख रहा उधर से। तो आप लोगों के साथ तो इस प्रकार की जो हरकतें होती हैं लगातार, और इसमें भी लोग मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके पिताजी डॉक्टर थे, वो कहते थे मेरे पिताजी इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि दो ही गोली देते हैं आदमी को और आदमी सही हो जाता है। मैंने कहा कैसे, बोले वे कहते हैं एक रात को सोते समय खा लेना, एक सुबह उठ जाओ तो। तो आनंद लीजिएगा, पहली चार पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि जुमैया तुम समझ ले वो, हाँ बिल्कुल उल्लास के साथ सुनिए आप।
कि अच्छा देखो श्वेता ने कहा उसको रैना को कि मैं 17 साल से जानती हूँ, तो मेरी समझ में नहीं आया कि अपने 17 साल से जानती हूँ कि उसके 17 साल से जानती हूँ। इतने संकट में आदमी को, वो बेचारा हमारे इलाके का लड़का है, हमारे मुरादनगर का, हमारा भाई है, वो भला है, वो आक्रामकता गई नहीं है अभी, तो सभ्यता से इसलिए बैठा है, घरवाली के साथ आया कि जो मैं याद। अच्छा लोग कहते हैं कि साहब रहना जो है वो पाकिस्तान के सामने बहुत आक्रामक हो जाता है। मैंने कहा ये हमारे गाजियाबाद जिले की परंपरा है कि दूसरे मोहल्ले का लौंडा आ जाए तो सारा ताव आ जाता है, आ जा बेटा तो आ जा। तो वो तो मोहल्ला भी ऐसा रिसर्च चल रही है कि जो, अच्छा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना कम फैला, ऐसा लोगों ने कहा, ईश्वर अच्छा है हमारे पड़ोसियों को स्वस्थ रखे, लेकिन कोरोना वहां भी गया और वहां उसने देखा कि किधर फैलूं, यहां तो ऑलरेडी इतनी चीज फैली हुई है कि मैं कहां फैलूंगा। थोड़ी सी टिप्पणी मांगी थी, थोड़ी सी टिप्पणी मनोज से श्वेता ने, उसमें भी उसने प्रधानमंत्री घुसा दिया कि घंटी बजाई। जरा सी टिप्पणी, इसे कहते हैं असली भाजपाई नेता, जो वाक्य के शुरू में मोदी बोले, बीच में बोले और आखिर में बोले, इसे संपूर्ण। लेकिन यार पीएम का कमाल है, जो बोलते हैं लोग करते हैं। हमने भी थाली पीटी, मतलब हम भी खड़े हुए और हमने भी थाली वाली सबने बोला। प्रधानमंत्री का ये अच्छा है, जो बोले कि दो काम जरूर होते हैं, एक लोग समर्थन में करते हैं, एक विरोध में करते हैं। हमारी कॉलोनी में सब तरह के रहते हैं, तो जिस दिन थाली पीट रही थी, हम थाली पीट रहे थे, हमारा पड़ोसी छाती पीट रहा था, चल रहा था बराबर काम। प्राइम मिनिस्टर काम बांटे रहते हैं लोगों को कि करते रहो, चलाते रहो, होता रहे, और यही नेता का काम है असली, कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। और अगली पंक्ति इस दीपावली पर आज तक के माध्यम से जो करोड़ों भारतीय सुन रहे हैं, कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। दोनों चुनाव बराबर बराबर चले, अमेरिका का भी और पटना का भी, और दोनों ऐसे ही फंसे। लोग कह रहे थे जी वहाँ कि वो जॉय बिडेन जीत गए, आपका भारत का रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा तुम हमारे प्रधानमंत्री को कम बुद्धिमान समझते हो, अगले ने 6 महीने पहले बुला के कह दिया था नमस्ते ट्रंप। जीत जाए तो आने की नमस्ते, और हार गया तो थैंक यू वेरी मच नमस्ते। कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। अगली लाइन सारे स्वास्थ्य कर्मियों के नाम, और आप स्वयं के लिए भी हाथ खोलना जितने लोग सुन रहे हैं, कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं आपके कारण। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। चार पंक्तियां और सुनेगा, कि मैं अपने गीत गजलों से, हमारा सौभाग्य है कि मैं ऐसी विधा में है सुरेश, ऐसी विधा में है कि जहाँ प्रदर्शन करो तुरंत तालियां मिलती हैं। इधर आपने चौका मारा, उधर पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ, इधर लाइन बोली, उधर ताली बजी। आप लोग ऐसी विधा में हैं जहाँ आपका काम महीनों बाद दिखाई देता है, अभी काम कर देते हैं। एक रोबोटिक्स के बहुत बड़े सर्जन है, नाम तो उनका नहीं लूंगा, मुझसे एक दिन कह रहे थे कि यार कुमार मेरा कई बार मन करता है कि जब सारी आर्टरी खोल खाल के जब तेजी से भागता है ना ब्लड, तो मुझे लगता है ये मरीज उठ के ताली बजाए मेरे सम्मान में। तो वो हो नहीं पाता, लेकिन उन सारे मरीजों के लिए जिन्होंने अकेले में सोते समय आपको दुआ दी है, मैं उनकी ओर से आपको 4 लाइनें सुना रहा हूं, सुनने का निवेदन करता हूं। कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है। क्या मैं तो मनोज बस मुझे आशा नहीं थी कि तुम यहां आओगे। नहीं नहीं, मतलब मुझे लगा कि दरअसल जब सुबह चुनाव प्रचार चुनाव परिणाम शुरू हुए तो दोनों पार्टियों के बयान देखने लायक थे,
एंकर्स के भी चेहरे देखने लायक थे। जो एंकर सुबह बुझा हुआ था वो दोपहर होते होते उछलने लगा, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया महागठबंधन, आगे बढ़ गया। बहुत बढ़िया। कई एंकर तो मतलब ऐसा लग रहा था ये स्क्रीन फोड़ के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, जो नेता सुबह डल था, ऐसा नहीं है बात हम पहुंचा नहीं पाए, वो शाम तक कह रहा था ये मोहर लगी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे रहा आज हाँ। कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। वाह करिए। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ। अगली पंक्ति आपकी तालियों में। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। कुछ मुक्तक और सुना देता हूँ। कुछ कोरोना काल में हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें पैदा हो गई हैं, मतलब हाथ बार बार सैनिटाइज करो, अभी उसने कर लिए दो मिनट में, जबकि खुद की पत्नी के पास बैठा है, लेकिन भाई ने तुरंत दोबारा कर लिए। ये हम सबके साथ आदत हो गई है, मतलब रात को सपने में घरवाली सो जाए तो उठ के सैनिटाइज करो हाथ, अजीब सा हाल हो गया है। ये हमारी आदतें पता नहीं ईश्वर कब सही करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तब निवेदन करता हूँ, सुनेगा, और इन चार पंक्तियों को आप पसंद भी करते हैं तो मेरे साथ गा भी सकते हैं, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। वो सारे दृश्य जिनमें डॉक्टर्स अपने घर के बाहर बैठकर चाय पीकर आए, वो सारे दृश्य जिनमें छोटा बच्चा अपने बाप को देख के, अपनी माँ को देख के, नर्स को देख के भागा और घर वालों ने खुद को संभाला और उसको संभाला, उन सारे दृश्यों को प्रणाम करते हुए मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। आपके दोनों हाथ आकाश में मुझे उठाई दिखाए तब मैं बताऊँ। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। महागठबंधन की ओर से पढ़ रहा हूं। न पाने की खुशी है कुछ, देख सिर्फ कलाकार रहने के कितने मजे हैं। ये बहुत ही माय डियर है, मतलब मुझे बहुत ही प्रिय है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी और मनोज की मैत्री 20 वर्ष पुरानी है, जब हम भी कुछ नहीं थे, और ये तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार जब तक ना हो जाए तब तक है ही नहीं। हमारी कहीं लग जाती है, हो जाएगा, तब निवेदन करता हूं। कि न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। अगली पंक्ति जब आप तक पहुंचेगी तो आप दाद देंगे। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ
कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में, इस कोरोना पर कह रहा हूं। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है।